जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है 2023 की। ये रिपोर्ट 125 कंट्रीज के डेटा को लेकर आई है जिसमें इंडिया की रैंक आई है 111। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स नंबर वन कौन तो इसको पब्लिश करता है, यहाँ पे नंबर टू कब से ये स्टार्ट हुई थी, कौन कौन से इंडिकेटर्स और मेजर्स हैं जिसके बीच पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, एंड इंडिया ने हंगर को यहां पर टैकल डाउन करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। आप सबको पता है रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पक्का दिखेंगे आपके यूपीएससी के डिफेंस वाले एग्जाम्स में। आप सीडीएस का एग्जाम ले लीजिए, एनडीए का ले लीजिए, एफकैट का। कभी आपको ये पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक कौन सी है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया आपके पास, कुछ इन्वायरमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं आपके पास, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो ये सारे फैक्ट फिगर्स हम आज डिस्कस करेंगे आज वाले सेशन में। आई होप आप सबको चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा, एंड आपका ये चैनल राष्ट्रीय सेवा आपकी तैयारी में बहुत हेल्प कर रहा होगा। नंबर वन, एक बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं कि हंगर क्या होता है। और तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है यहाँ पे। हंगर इज डिफाइंड एज अ कंडीशन In which a person does not have the physical or financial capabilities, ना तो उसके पास कोई physical capabilities होती हैं, ना financial, यहाँ पर to eat sufficient food to meet its basic nutritional needs for a sustained period, यहाँ पर जब उसके पास physical और financial capabilities नहीं होती हैं to eat sufficient food, तो क्या कि अपनी जो basic nutritional needs हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है, that is the hunger, that means the discomfort due to the lack of food, that is a hunger. Now, क्या क्या कारण हो सकते हैं हंगर के? अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें तो आप ऑब्जर्व भी करते होगे अपने आसपास, ठीक है? पुअर हेल्थ सर्विस, इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार हेल्थ सर्विस में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, स्कीम्स लेकर आ रही है। इनसफिशियंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, करप्शन एंड वॉरफेयर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेजर फैक्टर्स है, करप्शन एंड वॉरफेयर। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे इनइक्वालिटी होती है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो यहां पर पिछले बार प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था, प्राइवेट मेंबर बिल कि मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, आप सबको पता है एग्रीकल्चर बाउंड है हम, एंड बट उसमें अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी तो डेट मे लीड टू हंगर। अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो भी हंगर की तरफ जा सकते हैं। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस राइज जिसे कि इन्फ्लेशन बोलते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एक यहाँ पर कारण है विच लीड्स टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द हंगर लाइक कंडीशन। तो इधर एक बेसिक डेफिनेशन, यहाँ पर ये आपसे कम एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2023 की रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया कौन सी रैंक पे है। नंबर टू, कौन कौन से इंडिकेटर्स और मेजर्स होते हैं जिसके बेस पे ये रिपोर्ट आती है। नंबर थ्री, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार कौन कौन से इनिशिएटिव दे रही है हंगर को इंप्रूव करने के लिए। एंड नंबर फोर, यहाँ पर हर साल इंडियन गवर्नमेंट के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट्स। Let's discuss one by one. सबसे पहले तो बेसिक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इट्स अ पीयर रिव्यूड रिपोर्ट, एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट आती है। कौन लेकर आता है? बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ, ये लेकर आते हैं इसे। और एक टूल है जो कि बता रहा है ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से हंगर और उससे रिलेटेड चीजें चल रही हैं, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, एंड मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ हंगर को बता रहा है ओवर द टाइम जो चल रहे हैं। किस तरीके से कैलकुलेशन होती है और रिपोर्ट्स आपके पास आती है, तो GHI स्कोर होता है एक 100 पॉइंट का स्केल होता है, जिसमें जीरो बता रहा है फॉर द बेस्ट स्कोर, दैट मींस नो हंगर, और 100 बता रहा है यहाँ पे कि ये वर्स्ट है, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है टू इंप्रूव द हंगर। ओके, नाउ किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है आपके पास इसमें। नंबर वन, अंडर नरिशमेंट, कि इसमें क्या देखा जाएगा, परसेंटेज ऑफ पीपल हु कंज्यूम इनसफिशिएंट कैलोरीज के कारण अंडर नरिश की तरफ जा रहे हैं। चाइल्ड स्टंटिंग, यहां पे वो चिल्ड्रन जो कि अंडर फाइव है, U5 अंडर फाइव चिल्ड्रन जिनकी लो हाइट रह गई है फॉर देयर एजेस, व्हिच इंडिकेट
परसिस्टेंट अंडर न्यूट्रिशन। तो U5 आपको ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर 5 वाले बच्चों को कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पे, जिसमें विद लो वेट्स, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट्स, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हाइट्स की, एज के हिसाब से उनकी हाइट कम रह गई है, यहाँ पर हाइट के हिसाब से उनका वेट कम रह गया है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग। चाइल्ड मोर्टैलिटी, द परसेंटेज ऑफ किड्स हु पास अवे बिफोर टर्निंग 5, भाई 5 साल से होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जा रही है किड्स की, क्यों, पुअर न्यूट्रिशन के कारण और अनहेल्दी इन्वायरमेंट के कारण, इन चारों चीजों को, इंडिकेटर्स को यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि किस बेस के ऊपर कैलकुलेशंस की जाती है। नाउ दिस इज अ जस्ट, तीन डायमेंशंस हैं ये आपको पता हो। नंबर वन डायमेंशन चाइल्ड मोर्टैलिटी 1/3, एंड चार इंडिकेटर्स हैं जो हमने अभी पिछली स्लाइड में चार इंडिकेटर्स पढ़े। यहाँ पे पहले हम तीन डायमेंशन पढ़ते हैं, नंबर वन चाइल्ड मोर्टैलिटी, नंबर टू इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, नंबर थ्री चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। 1/3, 1/3, 1/3, ये तीन डायमेंशन हैं। चार इंडिकेटर्स कौन से हैं, सबसे पहले अंडर 5 मोर्टैलिटी, जो हमने बताया कि 5 साल से पहले ही जब बच्चे की डेथ हो रही है। डेथ इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंगर, सबसे वर्स्ट केस होगा कि उसके बाद डेथ हो जा रही है। इंप्रूविंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग ओनली कैप्चर द मोर्टेलिटी रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्या है, डेथ। नाउ चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में दो चीजें आ रही हैं, हमने भी डिस्कस किया, एक तो है कि भाई हाइट के हिसाब से यहाँ पर वेट हो गया, और एक एज के हिसाब से उसकी उतनी हाइट नहीं चल रही है। तो चाइल्ड स्टंटिंग 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6, ये दोनों चीजें यहाँ पर कवर करी जा रही है अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई में सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया कि अंडर नरिशमेंट हो रही है, अंडर नरिशमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीके से बच्चों में अंडर नरिशमेंट हो रही है, एंड यहाँ पर जो हंगर टारगेट्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, हंगर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑल दो इट इज यूज एज अ लीड इंडिकेटर फॉर इंटरनेशनल हंगर टारगेट्स इंक्लूडिंग SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन डायमेंशंस हैं और चार इंडिकेटर्स हैं। अब कुछ डेटा ले लेते हैं जो इस बार की रिपोर्ट आई है। इंडिया की रैंक एफकैट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 125 कंट्रीज का डेटा आया है, इंडिया 111वें रैंक पे है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सीरियस लेवल पर है हंगर। अभी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81st पे है, नेपाल 69th पे है, श्रीलंका 60th पे है। ऑल दो इसी चीज पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिटिसिज्म दिया है कि नंबर वन, कि एक तो आपने जो सैंपल साइज है, मान लो कि यहाँ पे 100 बंदों का आपने साइज यहाँ पे सैंपल लिया, उसके बेस पर रिपोर्ट डाल दी, तो भारत सरकार का कह रहा है कि जो आपका सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है। नंबर टू, जो आपके कैलकुलेशन करने के तरीका है, यहाँ पे मेथड्स है, उस पर भी हम डाउट करते हैं। तो ये दोनों भारत सरकार के क्रिटिसिज्म रहे हैं। इंडिया का स्कोर अगर मैं कहूं कितना आया है, तो 28.7 इंडिया का स्कोर आया है, जो कि सीरियस कैटेगरी में फॉल करता है। 2023 की जो रिपोर्ट आई है वो 18वां एडिशन था, 2006 से ये रिपोर्ट आ रही है। अब इस तरीके के क्वेश्चन, रैंकिंग वाले क्वेश्चन ले लीजिए, या स्कोर वाला क्वेश्चन ले लीजिए, या एडिशन वाला, इस तरह के क्वेश्चन आपको एनडीए सीडीएस में देखने को मिल सकते हैं, और एफकैट में तो वेरी हाई चांसेस। ओके, नाउ वो तो था हमारा पूरे का पूरा इंडिया का 28.7, पूरे ग्लोबल लेवल पे कितना गया है, 18.3 गया है टोटल, एंड इंडिया का 28.7। एंड अगर हम अंडर नरिश की बात कर ले इंडिया में, तो 16.6% दिखाया गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी जो हमने बात करी, बच्चों की डेथ हो रही है, वो 3.1% दिखाया गया है। ये डेटा आपसे बहुत कम चांस है पूछा जाएगा, बट रैंकिंग वाला क्वेश्चन आपसे, स्कोर वाला क्वेश्चन, कौन इसको पब्लिश करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम एनीमिया की बात कर लें, तो 50% से ज्यादा वुमेन जो है यहाँ पर एनेमिक है इन द कंट्री, वन ऑफ द हाइएस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड है यहाँ पे। अगर हम थर्ड फैक्टर जो हमारे पास आया था चाइल्ड वेस्टिंग का, तो इंडिया में हाइएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग है 18.7, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई अंडर नरिशमेंट जो है वो एक्यूट लेवल पर है। एंड जो चाइल्ड वेस्टिंग है, वेट विद रिस्पेक्ट टू द हाइट, यहाँ पे उसके बेस पे चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पर क्या होता है, हम मेजर करते हैं, ऑल्दो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है कि कितना हम कितना परसेंटेज एनेमिक है, कितना परसेंटेज न्यूट्रिशंस यहाँ पे कम हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
यहाँ पे जो डेटा है रैंकिंग वाला, कौन पब्लिश कर रहा है, कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने डायमेंशन हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए, पीएम पोषण स्कीम, यहाँ पे आपको पता है पहले मिड डे मील स्कीम था, उसका नाम पीएम पोषण रखा गया। सबसे पहला स्टेट जो मिड डे मील स्कीम लेकर आया था वो था तमिलनाडु, आपको ये पता हो, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे हंगर, एजुकेशन, सब कुछ इसको ये टैकल डाउन कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं तो इक्वालिटी भी लेकर आ रहा है, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रहा है, बिकॉज आप सबको पता है स्कूल में सब बच्चों को खाना मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आप सबको पता है ड्यूरिंग द कोविड टाइम ये आई थी टू हेल्प द पुअर एंड नीडी ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन जो है उनके लिए यहां पर आई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसके अलावा अगर हम कहें इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, प्रधानमंत्री दिस वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है हेल्थ फैक्टर्स के लिए इंप्रूव करने के लिए, जिसका रूरल और अर्बन दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे पोषण वाटिका यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में चल रहा है, पोषण अभियान दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है, ICDS चल रहा है। तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे हेल्थ के फैक्टर पे, हंगर पे, न्यूट्रिशन को, इन सब के ऊपर फोकस किया जा रहा है भारत सरकार के थ्रू। तो इस रिपोर्ट के थ्रू हमें ये जरूर पता लगता है कि यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग बहुत सीरियस कंसर्न पर आई है, एंड इंडिया को एज पर दिस रिपोर्ट बहुत सा काम करने की जरूरत है टू टैकल डाउन द हंगर सिचुएशंस। ऑल्दो भारत सरकार इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने सैंपल साइज बहुत छोटा लिया है एंड आपके कैलकुलेशन का मेथड हमें ठीक नहीं लगा है, बट एनी हाउ हम उस चीज में नहीं जाएंगे। इस पूरे सेशन में आपको पता हो रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कितने डायमेंशन और इंडिकेटर हैं, नंबर थ्री यहाँ पे कि इंडिया का कितनी यहाँ पे स्कोर आया है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 28.7 आया है, ये आपको पता हो बिकॉज रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चंस में से, पार्ट में से डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।